बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। क्लास नाइन्थ की फिजिक्स में चैप्टर नंबर सेवन में आज हमारा लेक्चर नंबर सेवन है। हमने अपना लास्ट टॉपिक प्रेशर इन लिक्विड्स डिस्कस किया था, उसी सिलसिले का आज ये सेकंड और उस टॉपिक का लास्ट लेक्चर होगा। इन अवर प्रीवियस लेक्चर We discuss the pressure in liquids and derive a formula P is equal to rho gh. आज हम प्रेशर इन लिक्विड्स को एक अलग अंदाज में एक लॉ की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक, ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशन भी बोर्ड में कई दफा आई हुई है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आवर टॉपिक इज पास्कल्स लॉ। स्टूडेंट्स सपोज कर लें कि इफ वी हैव अ कंटेनर फिल्ड विद अ लिक्विड, अगर एक कंटेनर में हमारे पास एक लिक्विड है एंड वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, अगर हम उस लिक्विड की सतह के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स, एक बैरूनी फोर्स अप्लाई करें, देन व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा? होगा ये कि ये एक्सटर्नल फोर्स उस लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करेगी और ये जो प्रेशर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से डिवेलप हुआ है, क्रिएट हुआ है, दिस प्रेशर विल ट्रांसमिट इनटू द लिक्विड टू ऑल पार्ट्स इवन टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये जो प्रेशर क्रिएट हुआ ये लिक्विड के तमाम हिस्सों तक, तमाम पार्ट्स तक इक्वली एक जैसा मुंतकिल हो जाएगा, बल्कि उस बर्तन की दीवारों पर भी अमल करना शुरू कर देगा। तो इसका जो रिजल्ट है इस प्रोसेस का, इट इज कॉल्ड पास्कल लॉ। इसके मुतालिक हमारा पास्कल लॉ है। पास्कल लॉ की डेफिनेशन बड़ी सिंपल डेफिनेशन है कि प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, अगर हम किसी भी लिक्विड के किसी भी पॉइंट के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, तो ऐसा करने से क्या होगा, जिस पॉइंट पे हमने उस प्रेशर को अप्लाई किया, क्रिएट किया, उस पॉइंट से वो प्रेशर जो है इट विल ट्रांसमिट ऑल अक्रॉस द लिक्विड, ये पूरे लिक्विड में तमाम पार्ट्स तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा विदाउट एनी लॉस, लॉस के बगैर, जाया हुआ बगैर। तो प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ अ लिक्विड एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर, कोई भी लिक्विड जो किसी कंटेनर में क्लोज था, एनक्लोज था, उसको भरा हुआ था, उस पर किसी भी पॉइंट पर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड विदाउट लॉस, ये जाया हुए बगैर ये प्रेशर ट्रांसमिट हो जाएगा, मुंतकिल हो जाएगा टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द लिक्विड, उस लिक्विड के बाकी तमाम हिस्सों तक। अब इस डेफिनेशन को हम एक डेमोंस्ट्रेशन के साथ डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास एक ग्लास वेसल है, एक शीशे का बंद बर्तन है, राउंड बॉटम है इसका और इसमें मुख्तलिफ जगह पर कुछ होल्स हैं, कुछ सुराख हैं और इसके ऊपर एक पिस्टन अटैच है। पिस्टन मीन एक मूवेबल, कह लें लिड, कह लें ढक्कन, कह लें, जिस तरह इंजेक्शन में उसके ऊपर एक पिस्टन होता है, जब आप उसको लिक्विड को उसमें फिल करते हो या उसको जब पुश करते हो तो लिक्विड उसमें से बाहर निकलता है, तो इंजेक्शन के अंदर भी एक पिस्टन लगा होता है, वो मूवेबल पिस्टन है। बिल्कुल उसी तरह का एक ढक्कन इस पर मौजूद है, ये रेड कलर का मैंने बनाया, ये एक पिस्टन है जो कि अप एंड डाउन मूव कर सकता है। अगर हम इस पिस्टन के ऊपर फोर्स एफ अप्लाई करेंगे तो याद रहे लिक्विड्स कंप्रेसिबल नहीं होते, लिक्विड्स को प्रेस नहीं किया जा सकता, गैसेस की तरह लिक्विड्स को दबाया नहीं जा सकता। तो जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगी, नीचे की तरफ जब सरफेस के ऊपर एक्ट करेगी तो ये यहां पर एक प्रेशर जनरेट करेगी और ये प्रेशर पूरे के पूरे लिक्विड के अंदर तमाम हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जगह जगह पर जहां पर होल्स हैं हम ऑब्जर्व करेंगे उन होल्स में से एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में तमाम होल्स में से एक स्पेसिफिक प्रेशर के साथ वो लिक्विड या पानी जो भी हमने इसमें भरा हुआ है वो बड़ी तेजी के साथ यहां से निकलना शुरू कर देगा। जब हम फोर्स लगाने का अमल बंद करेंगे तो लिक्विड इन सुराखों से बाहर निकलना बंद कर देगा। हम दोबारा फोर्स अप्लाई करें उसी प्रेशर के साथ, यानी कि एक जैसे प्रेशर के साथ तमाम सुराखों से वो लिक्विड निकलेगा। तमाम सुराखों से लिक्विड का एक ही प्रेशर के साथ निकलना इस बात को साबित करता है
कि लिक्विड के अंदर मुंतकिल होने वाला प्रेशर जो तमाम पार्ट्स तक डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, ट्रांसमिट हुआ था, वो एक जैसा था। यही पास्कल लॉ की तरफ से, डेफिनेशन की तरफ से हमें जो कंसेप्ट मिलता है। पास्कल लॉ का हमारी रोजमर्रा जिंदगी में, डेली लाइफ में कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ इतलाक हैं जहां जहां पर पास्कल लॉ अप्लाई हो सकता है। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर पास्कल लॉ अप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जांपल, इन अवर ऑटोमोबाइल्स, हमारी गाड़ियों में जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो पास्कल लॉ आपको फॉलो करता है। अक्सर आप सुनते हैं कि ब्रेक ऑयल, ठीक है, वो ब्रेक में ऑयल जो सा वो डलता है, वो ऑयल क्या, वो लिक्विड है। तो दर हकीकत ब्रेक लगाने के अमल में उस लिक्विड में प्रेशर अप्लाई किया जाता है और वो प्रेशर जो है गाड़ी के तमाम जो व्हील्स हैं वहां तक लिक्विड के जरिए शिफ्ट होता है। फिर वो गाड़ी के व्हील्स के साथ डिस्क ब्रेक्स लगी होती हैं, वो ब्रेक्स व्हील्स को अंदर से जैम करती हैं, उसके नतीजे में गाड़ी के ब्रेक लगने का अमल हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोलिक जैक, आमतौर पर एक गलत टर्म इस्तेमाल की जाती है, जैक, गाड़ी को लिफ्ट करने के लिए, टायर बदलने के लिए। बेटा, इट इज नॉट जैक, इट इज जैक, ठीक है। तो हम उसको उर्दू के अंदर या पंजाबी में उसको हम उसकी जो सी है प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल बिगाड़ देते हैं। भारत, ये कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकती है इस तरह की चीजें, पाकिस्तान में ये सब चलता है। तो हाइड्रोलिक जैक। तीसरी एग्जांपल, हाइड्रोलिक प्रेस, प्रेसिंग मशीन्स, यानी कि प्रेशर प्रेसिंग मशीन्स होती हैं जिनको हाइड्रोलिक प्रेस भी कहा जाता है। तो हाइड्रोलिक प्रेस हमारे इस टॉपिक में, इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, इस एप्लीकेशन को आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। हाइड्रोलिक प्रेस बेसिकली प्रेसिंग मशीन है। आपको पता है कॉटन यानी कि रुई मार्केट में जब मिलती है तो वो बेल्स यानी कि बड़ी बड़ी गांठों की फॉर्म में मिलती है। वैसे तो रुई का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, इसको प्रेसिंग मशीन में डाल के प्रेस करने के बाद बहुत बड़े बड़े साइज के इस तरह के क्यूब्स बनाए जाते हैं, बहुत बड़े साइज के, ठीक है। और वो सारा काम प्रेसिंग मशीन के जरिए ही किया जाता है। अगर हम डायग्राम में देखें, इस प्रेसिंग मशीन का जो स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे पास दो सिलेंडर्स हैं, एक स्मॉल सिलेंडर है आपको डायग्राम में राइट साइड पर नजर आ रहा है और एक लार्ज सिलेंडर है। दोनों सिलेंडर्स के ऊपर दो पिस्टन्स को फिट किया गया है, दो पिस्टन्स वहां पर लगाए गए हैं। स्मॉल सिलेंडर में लगा हुआ जो पिस्टन है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है स्मॉल ए, जबकि बड़े वाले सिलेंडर में जो पिस्टन लगाया गया है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है कैपिटल ए, ठीक है। दोनों सिलेंडर्स को एक चैनल के जरिए लिंक किया हुआ है, आपस में दोनों लिंक हैं, और यहां पर एक लिक्विड को फिल किया गया। ये जो ब्लू कलर के डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ये एक लिक्विड है। जो बड़े वाला सिलेंडर है इसके ऊपर एक बेस है जिसके ऊपर हमने किसी भी चीज को प्रेस करने के लिए रखना है, और इसके ऊपर एक फिक्स्ड सीलिंग है। एक बिल्कुल सीलिंग नमा, एक छत नमा चीज है, जिस भी चीज को यहां पर प्रेस करने के लिए रखेंगे स्मॉल पिस्टन पे फोर्स लगाएंगे, जोर से जाके वो चीज ऊपर टकराएगी और प्रेस होना शुरू हो जाएगी, ठीक हो गया जी। ये इसका सिंप्लीफाइड वर्किंग प्रिंसिपल है, इसको डिटेल से देखते हैं। जो स्मॉल पिस्टन है इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे F1, ये पिस्टन को डाउनवर्ड प्रेस करेगी, यहां पर एक प्रेशर जनरेट होगा, और पास्कल लॉ की डेफिनेशन के मुताबिक वो प्रेशर तमाम डायरेक्शंस में मुंतकिल होगा। चूंकि लिक्विड को दबाया नहीं जा सकता तो होगा ये कि नीचे जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये सारे का सारा लिक्विड और प्रेशर आगे की तरफ मुंतकिल होगा, ठीक है। तो जब ये लिक्विड इस चैनल के जरिए यहां पर आएगा प्रेशर को अपने साथ कैरी करते हुए, तो ये प्रेशर एक्ट करेगा ऊपर की तरफ, जिसके नतीजे में ये वाला पिस्टन अपवर्ड मूव करना शुरू करेगा। स्मॉल पिस्टन पे हम फोर्स लगाएंगे F1, बहुत थोड़ी फोर्स होगी लेकिन उसके नतीजे में अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा जनरेट होगा, और ये लार्ज पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा, और इस लार्ज पिस्टन पे ऊपर की तरफ एक फोर्स पैदा होगी F2, जो कंपैरेटिवली F1 के मुकाबले में बहुत लार्ज फोर्स होगी। इस तरह के सिस्टम्स को फोर्स मल्टीप्लायर भी कहा जाता है। फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब यह है कि हम थोड़ी फोर्स जो स्मॉल पिस्टन पे अप्लाई करेंगे वो एंड रिजल्ट के तौर पर कई गुना ज्यादा फोर्स होके हमारे सामने आएगी और किसी भी काम को बड़ी आसानी के साथ परफॉर्म करवा सकेगी।
स्पेसिफिकली अगर हम प्रेसिंग मशीन की बात कर रहे हैं तो थोड़ी फोर्स अप्लाई करने के बाद स्मॉल पिस्टन पे हम लार्ज पिस्टन पे अपवर्ड एक बहुत ज्यादा जोरदार फोर्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी मदद से चीजों को प्रेस करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। क्लियर हो गया जी? अब दोनों पिस्टन के ऊपर, स्मॉल पिस्टन पे और लार्ज पिस्टन पे, जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं और फार्मूला डिराइव करते हैं। प्रेशर ऑन स्मॉल पिस्टन, स्मॉल पिस्टन पे अगर हम बात करें, अगर स्टूडेंट्स आपको याद है तो प्रेशर का फार्मूला पी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया हमने पढ़ा था, ठीक है? तो स्मॉल पिस्टन की अगर आप बात करते हो बेटा, तो स्मॉल पिस्टन पे अमल करने वाली, एक्ट करने वाली फोर्स कौन सी है? एफ वन, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है स्मॉल ए। सो द प्रेशर ऑन स्मॉल पिस्टन पी इज इक्वल टू फोर्स एफ वन डिवाइडेड बाय स्मॉल ए, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ओके भैया, नंबर वन कह दें इसे। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द प्रेशर ऑन लार्ज पिस्टन, ऑन लार्ज सिलेंडर। तो प्रेशर ऑन लार्ज पिस्टन अगर देखें तो फोर्स एफ टू अपवर्ड प्रोड्यूस हो रही है और क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, तो प्रेशर पी इज इक्वल टू एफ टू फोर्स, ये फोर्स अपवर्ड क्रिएट हो रही है, और डिवाइडेड बाय कैपिटल ए, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है? स्मॉल और कैपिटल एरिया इसलिए लिखा हुआ है कि स्मॉल पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, उसे स्मॉल ए से रेफर किया, डिनोट कर दिया, और कैपिटल ए जाहिर करने का मतलब ये है क्योंकि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है। इक्वेशन नंबर वन और नंबर टू दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लें। जब आप लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से कंपेयर करते हो तो दोनों सिमिलर साइड्स होने की वजह से इन दोनों को लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन आप राइट साइड्स को कंपेयर करें तो डिफरेंट है। एफ वन, एफ टू, ए स्मॉल ए, कैपिटल ए, इनको लिखें, ठीक है जी? तो एफ वन ओवर स्मॉल ए, ये आपके पास इक्वेशन वन का राइट साइड था, इज इक्वल टू एफ टू ओवर कैपिटल ए, इक्वेशन नंबर टू का राइट साइड है, दोनों को आपने लिखा। अब इस एक्सप्रेशन में हमारे पास एफ वन क्या है? स्मॉल पिस्टन पे एक्ट करने वाली फोर्स, एफ टू लार्ज पिस्टन पे जो अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है वो स्मॉल ए, छोटे सिलेंडर छोटे पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया, और कैपिटल ए बड़े सिलेंडर या बड़े पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है? यहां पर मौजूद जो चार पैरामीटर्स आपको नजर आ रहे हैं, इनमें से अगर तीन पैरामीटर्स, तीन क्वांटिटीज आपको गिवन हो तो फोर्थ वन आप क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हो इस पूरे फार्मूले को रीअरेंज करके। सपोज हम स्मॉल पिस्टन पे एफ वन फोर्स तो लगा रहे हैं वो हमें नाउन है, हमें स्मॉल पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी पता है, हमें लार्ज पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी मालूम है। तो अगर हम ये पता करना चाहें कि स्मॉल पिस्टन पे एफ वन फोर्स लगाने के बाद लार्ज पिस्टन पे जो फोर्स अपवर्ड मिलेगी वो कितनी होगी, तो वो कैलकुलेट की जा सकती है। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, एफ वन मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू एफ टू मल्टीप्लाई ए, ठीक है? अब आपने एफ टू कैलकुलेट करना है तो ये ए इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो एफ टू इज इक्वल टू एफ इन टू कैपिटल ए डिवाइडेड बाय स्मॉल ए। वो जो पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया था उसे साइड पे एक रेशो की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है जी? अगर आप इनको कैलकुलेट करोगे, जब आप ए को स्मॉल ए पे डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा इट विल बी ग्रेटर देन वन, वन से ज्यादा आएगा। क्यों वन से ज्यादा आएगा? उसकी रीजन ये है कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया इससे ज्यादा है, तो जब आप इसको इस पर डिवाइड करोगे तो आपका आंसर एक से ज्यादा आएगा। तो जब ये रेशो आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर वन से ज्यादा आएगा। तो जब वन से ज्यादा आंसर आएगा उसको फोर्स एफ वन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो फोर्स एफ टू मिलेगी वो एफ वन के मुकाबले में कई गुना ज्यादा फोर्स मिलेगी। यही वजह है कि इस वजह से इसको फोर्स मल्टीप्लायर भी कहा जाता है, कि हम थोड़ी फोर्स स्मॉल पिस्टन पे अप्लाई करने के बाद लार्ज पिस्टन पे एज अ एंड रिजल्ट एक लार्ज फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि किसी भी चीज को बआसानी प्रेस करने में हमारी मदद करेगी। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था, इसको आपने अपनी टेक्स्ट बुक से एज इट इज प्रीपेयर करना है। स्टार्ट में पास्कल लॉ की डेफिनेशन के ऊपर एक पैराग्राफ लिखा है वो प्रीपेयर करेंगे, देन डेफिनेशन है, देन ये डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे,
उसके बाद एप्लीकेशंस अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है जी। पास्कल लॉ की डेफिनेशन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। देन हाइड्रोलिक प्रेस है, ये डायग्राम भी बेटा आपने प्रैक्टिस करनी है, लाजमी बनानी है, और इसको आपने जो सॉल्व एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक पे की हुई है इसके बाद उससे पहले पहले आपने प्रीपेयर कर लेना है। तो टेक्स्ट बुक को फॉलो किया करें, सेल्फ राइटिंग से अवॉइड किया करें। जो भी आपको इस टॉपिक के रेलिवेंट कोई प्रॉब्लम होगा आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, इंशाल्लाह हम उस प्रॉब्लम को हल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।